हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री हरे कृष्णा का इस्कॉन टेंपल जुहू में, और साथ ही साथ आपको इस्कॉन टेंपल में एक है गोविंदास रेस्टोरेंट जो करवाता है आपको सात्विक अनलिमिटेड बफे जो कि बिना प्याज और बिना लहसुन का होता है। तो आज हम आ चुके हैं उस जगह पर। बहुत टाइम से हमने सोचा था हमारी बकेट लिस्ट में कि हम इस जगह आएंगे, तो अभी आप पीछे देख सकते हैं गार्डन है। हम अभी इस्कॉन जो टेंपल का प्रीमाइसेस है उसके अंदर ही हैं, और अब हम आपको पहले दर्शन करवा देते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग है ना पौने एक बजे यहाँ पे दर्शन बंद हो जाते हैं। 15 मिनट हम अंदर जाते हैं फटाफट से, 1 से 4, 4:15 बजे तक बंद। हाँ, 1 से 4, 4:15 तक बंद रहते हैं दोपहर में दर्शन। तो अभी हम पहले आपको दर्शन करवाते हैं, फिर हम जाएंगे गोविंदास रेस्टोरेंट और वहाँ पे आपको दिखाएंगे सात्विक अनलिमिटेड बफे। तो चलिए हमारे साथ। तो हम अब मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, बहुत भीड़ दिख रही है, कितने सारे लोग हैं और कितना आवाज आ रही है, हरे राधे हरे कृष्णा भजन चल रहे। वो सामने की तरफ है दर्शन करने का, और देखिए आप लोग कितना भक्ति में डूबे हुए हैं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आगे जा पाऊँ और वहाँ से आपको और पास से मैं दर्शन कराता हूँ, और अब आप आनंद लीजिए कृष्ण जी के इन पावन दर्शन का। तो देखिए आप कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग, क्या मस्त एकदम भक्ति भजन हो रहा है, वाह। तो आपने दर्शन देख लिए होंगे, बहुत भीड़ थी तो हम लोगों ने ज्यादा बात तो नहीं कर पाए, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए 15 मिनट में ही, और भीड़ इतनी थी, लोग क्या मस्त नाच रहे थे। अब और वाइब्स ही अलग थी, एक अलग ही माहौल था। इतना सुकून मिलेगा वहाँ पे कि बस, मतलब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक वो जो माहौल हो जाता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप भी है ना, मतलब वहाँ पे है ना नाच करने लग जाओ, और इतना ज़बरदस्त है ना मज़ा आया हमें। तो अभी हम लोग है ना ये गोविंदास रेस्टोरेंट के जस्ट बाजू में खड़े हुए हैं, तो अभी हम एंट्री ले लेते हैं। गोविंदा रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या आती है, 12:30 से 3:30 है, तो अभी लगभग 1:15 बज रहे हैं। तो हम लोग अभी चलते हैं और आपको बफे दिखाते हैं। तो दर्शन कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो बोलो हरे कृष्णा हरे राधे। ये तो चलिए हम चलते हैं अंदर गोविंदास इस रेस्टोरेंट में, और ये पूरा इस्कॉन टेंपल का प्रीमाइसेस है। बहुत भीड़ रहती है, आज संडे है तो और ज़्यादा भीड़ है, देखते जाइए आप। तो ये देखिए सामने एंट्रेंस है रेस्टोरेंट का गोविंदास, और यहाँ पे है इनका आज का संडे का बफे मेनू। तो देखिए कितनी सारी है ना यहाँ पे चीज़ें हैं इस बफे में आज। आप टाइमिंग भी यहाँ पर है ना नोट कर सकते हैं, और प्राइस जो रहता है वो देख लीजिए आप। तो संडेज़ को 750 रहता है, सैटरडे मंडे टू सैटरडे 650 रहता है, और बफे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे वेटिंग बहुत है। आप देखिए कितने लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो मैंने और आरती ने अपना नाम लिखवा दिया है, तो जैसे ही वेटिंग क्लियर होगा तो हम लोग अंदर जाते हैं। और इनका जो गोविंदास रेस्टोर, इनका एक है ना बिस्ट्रो करके, ये एक और रेस्टोर है, ये बफे नहीं है, ये एलाकार्टे रेस्टोर। तो लगभग हमें है ना 20 मिनट वेट करना पड़ा, और 20 मिनट के बाद हमें है ना एंट्री मिली है इस रेस्टोरेंट में। नहीं सकते यहाँ पे इतनी भीड़ है, हमने ये टेबल हमें मिली है, और यहाँ पे अब हम देखते हैं खाने का क्या सीन रहता है। आरती अभी अंदर की तरफ गई है देखने के लिए, और यहाँ एंट्रेंस से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सो मैं तो यही बोलूँगा कि संडेज़ के दिन तो यहाँ आना बहुत वो है, टफ है। अगर आप आ रहे हो तो जल्दी आ जाइए। तो सामने की तरफ जो आप काउंटर देख रहे हैं, अगर आपको थाली यहाँ पे खानी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर
अपना थाली का पेमेंट करना होगा, तो हम लोगों ने आज वीकेंड है, संडे के दिन 750 रुपीस की थाली होती है, तो हमने 1500 रुपीस का पे, और अब हम तो ये देखिए ये थाली अभी हमको मिल चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ का बफे सिस्टम थोड़ा अलग है, और यहाँ पे देखिए आप भीड़ कितनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जल जीरा रख दे, एक और रख देना, एक थाली और है। तो यहाँ पे जो हाँ रख दीजिए कोई। तो यहाँ पे जो ये गोविंदा होते हैं देखिए, ये बहुत अच्छे से टेबल पर आपको सर्व करते हैं। तो अभी आप देखिए लीची, पाइनएप्पल और जल जीरा आप हमें दे दिया गया है। आप देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, लगभग 200-250 लोगों की कैपेसिटी। अब हम आ चुके हैं, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ इनका बफे। ये देखिए डेजर्ट सेक्शन, आम रस हापूस का, और ये है रसगुल्ले और मेरे फेवरेट गुलाब जामुन, और यहाँ पे है ये चिल्ला कड़ी, कड़ी है, अब इसको टेस्ट करके देखेंगे। ये है पंजाबी दाल फ्राई। तो आप बफे में देखिए कितनी सारी, ये प्लेन दाल है, ये प्लेन राइस, ये है आपका नवरत्न पुलाव, और यहाँ पे एक है ये बॉम्बे बिरयानी, और दिखने में एकदम ये नॉनवेज बिरयानी को भी फेल कर दे। ये है दही बड़े, और यहाँ पे पाव भी दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे आपके पापड़ और चपाती, इवन भटूरा है, पर ये कुछ स्टफ्ड सा पराठा लग रहा है। और ये देखिए पूड़ियाँ, अलग अलग नौ मतलब पंचरत्न पूड़ियाँ हैं ये, और ये है चटपटे छोले, ये एकदम अपने छोले भटूरे जैसे वाले छोले हैं। ये है गट्टे की सब्जी, अच्छा गट्टा सब्जी, वाह ज़बरदस्त मेनू है व्यूअर्स कहना पड़े। और ये है पनीर, ये है यहाँ पे बेबी आलू दम, क्या है ये दम आलू टाइप ही लग रहे छोटे, बेबी आलू मेथी, और ये आगे है आसमानी कोरमा। तो खाना तो इनका बफे के ऑप्शंस बहुत सारे, मैक्सिकन रॉयल स्पेगेटी, ये भी अच्छी एक नई आइटम है, और यहाँ पे स्टार्टर्स हैं सारे। आप देखिए स्प्रिंग रोल है, और आपका कॉर्न का ये एक है ना कोई आइटम है यहाँ पर, और वेज कटलेट भी है, ये वेज कटलेट है या हाँ वेज कटलेट ही, और सलाद आइटम्स भी यहाँ पे सारे आपको देखने मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम हमारी थाली लेते हैं। अब आरती ने अपनी थाली में जितना हो सकता था आइटम उतना तो ले लिया है, बट अब देखते हैं आरती टेस्ट करके बताएगी। तो ये बिना प्याज और बिना लहसुन का खाना है पूरा, आप देखिए, और आपको पहले ही हमने इतना सारा बताया, बहुत सारा मेनू है आरती, और मेरे को तो दिखने में हाँ आरती की थाली में जगह नहीं थी। आप देखो बफे का हमने अभी आपको आइटम्स दिखाया, तो कितना सारा है, खा के दिखाई और टेस्ट कैसा है, क्योंकि हम लोग तो बिना लहसुन प्याज वाला खाना कभी खाते ही नहीं है ना, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सब विदाउट प्याज और लहसुन का कुछ ऐसा सी नहीं हो रहा है, एकदम टेस्टी लग रहा है। तो ये स्प्रिंग रोल है, टिक्की है अच्छा, बहुत ही टेस्टी है भी नहीं, बहुत ही टेस्टी है। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है, खाना बहुत टेस्टी है, और एकदम वो कहते हैं ना अपने घर जैसा जो खाना होता है वैसा ही खाना है बिल्कुल ये, और बिल्कुल भी आपको लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम खाया इसे, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी ये देखिए ये स्टॉक, हाँ ये भी कुछ है ना स्टॉक करके, ओहो आरती खाना तो डिलीशियस है, मेरे को तो पंचरत्न पूड़ियाँ खानी है भाई, पिंडी छोले हैं, छोले भी एकदम मसालेदार हैं। ये दही वड़ा कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट एकदम मेल्टिंग माउथ, और ओवरऑल सब मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत ही टेस्टी, और आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि इसमें सात्विक मतलब अनियन और गार्लिक नहीं है। मतलब मेरे को भी आश्चर्य होता है कि बिना लहसुन और हम
बिना लहसुन और प्याज के कभी खाना खाते ही नहीं है आरती, और ये बिना लहसुन प्याज का इतना शानदार मतलब खाना हो सकता है, ये क्या है आरती? कौन कौन हूँ? इसमें सब मैरिनेशन करा है ग्रीन कलर का। तो तुम तो बहुत सारे आइटम्स लाए नहीं हो, और हमने जो बफे में देखा ये थाली आपके लिए कम पड़ जाएगी अगर आपको सारा बफे कवर करना है। और आज के दिन भीड़ इतनी है यहाँ पर कि पूछो मत, इतनी भीड़ है, टेबल शेयरिंग चल रहा है, दो जनों को भी हम लोगों को टेबल शेयर करना पड़ रहा है, ऐसी हालत है। तो चलिए अब हम इस सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं। अभी देखिए विनीत ने भी अपनी थाली लेके आए है। मेरी तो एकदम मैंने पूरी भर दी एकदम थाली फुल एकदम। विनीत आप टेस्ट करके बताइए ना। अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या क्या मैंने अपनी थाली में एक भी आइटम नहीं छोड़ा। लग ही नहीं रहा है इसे। तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए खाना। हरे राधे हरे कृष्णा खाओ वैसा ही हमेशा खाना है। तो विनीत को देखो आप आमरस पे आमरस हापूस आमरस है हापूस आमरस, और मैं तो वाटी पे वाटी रखता रहा हूँ। बहुत ही दो वाटी खा तीसरी वाटी है ये मेरी और बहुत जबरदस्त मजा आई। तो विनीत देखिए रसगुल्ला खा रहे हैं इतना बढ़िया। मैंने ना गुलाब जामुन मुंबई में तो अभी तक नहीं खाया इतना शानदार गुलाब जामुन। तो इसमें आइसक्रीम भी है आप देख सकते हैं, बटर स्कॉच आइसक्रीम। बटर स्कॉच है वो राजभोग का खत्म हो गया। राजभोग आइसक्रीम थी वो खत्म हो गई पहले थी। हाँ तो ये बटर स्कॉच है ठीक है। तो हम लोगों का बफे हो चुका है, तो मैं आप जो गोविंदास रेस्टोरेंट है यहाँ से एग्जिट है और यहाँ फ्रंट से एंट्री है। बहुत शानदार खाना था है आरती, बहुत ही टेस्टी था और ऐसे फील ही नहीं आ रही थी कि कुछ भी नहीं है। प्याज टमाटर प्याज टमाटर है प्याज और लहसुन नहीं है और सात्विक खाना था और घर जैसा खाना था। मतलब खाने के बाद ऐसा एकदम फूला फूला जो हो जाता है ना पेट, आप कहीं पे जाते हो बफे में मतलब ऐसा बफे। और इनकी लगभग 300 लोगों की कैपेसिटी है, मुझे लगता है पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला बफे डिनर यहाँ होता है। एक्चुअली भीड़ इतनी थी ना तो शूट हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत लोग थे। पर आपको अगर कभी भी यहाँ पे बफे के लिए आना है तो मेरा तो है ना ओपिनियन यही है कि अगर संडे को भी आ रहे हो तो लेट आओ, 2:30 बजे आओ आराम से, क्योंकि 3:30 बजे अभी कोई बाहर नहीं था वेटिंग, कुछ वेटिंग नहीं था, बिल्कुल आराम से आ सकते। हमने हमको पहले है ना गलती ये करी, हमको आज ये करना था कि हमको 2:30 बजे यहाँ पे आना चाहिए था, पहले हमें यहाँ का बफे कर लेना था क्योंकि दर्शन वापस से 4 बजे खुलते हैं, तो आप आराम से 4 बजे के दर्शन कर सकते हैं। तो आप हमेशा ये वाला रूटीन अपने क्योंकि सुबह सुबह में यहाँ बहुत भीड़ रहती है लोगों की, और वीकेंड्स पे वैसे भी है ना बफे का प्राइस ज़्यादा रहता है और वीकडेज में कम रहता है। तो मेरे लिए तो मैं तो आपको यही अपना ऑप्शन दूंगा। बाकी खाना नंबर वन मैं दूंगा 9.5 out of 10 और घर जैसा खाना क्वालिटी बहुत अच्छी, क्वालिटी एकदम मतलब जो हाइजीनिक और जो हाइजीन होता है ना वो बहुत अच्छा था। सो कैसा लगा आपको ये इस्कॉन टेंपल के कृष्ण दर्शन और साथ में गोविंदास रेस्टोरेंट जो इस्कॉन टेंपल का खुद का बफे आउटलेट है? तो ज़रूर आप हमें कमेंट और करके बताइए, लाइक करिए शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली बार किसी अच्छे ब्लॉग में।